ये यहाँ पर लोग बैठते हैं और सुलभ शौचालय वो सामने है, वो वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है निःशुल्क है साहब। तो ये है पुरानी बिल्डिंग श्री नर हरिदास बस स्टैंड भोपाल, जिसे बोलते हैं संत हिरदाराम नगर या बैरागढ़ बस स्टैंड की ये पुरानी बिल्डिंग है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह का ब्लॉग अभी यहाँ से चालू करते हैं, 10:45 बज रहे हैं। अब ये ब्लॉग चालू होता है तो बने रहिए पूरे दिन। ड्यूटी के लिए निकल चुके हैं, सुबह के 10 बजने वाले हैं। यहाँ पर खड़े हैं बस स्टॉप पर बस पकड़ने के लिए, क्योंकि बैरागढ़ जा रहे हैं संत हिरदाराम नगर। तो डेली तो लाल बस पकड़ते हैं, आज प्रजापति ट्रेवल बस पकड़ लेते हैं बैरागढ़ के लिए। तो चलिए चलते हैं। यहाँ तो एक रेड सिग्नल मिल गया 56 सेकंड का। बैरागढ़ उतरने वाले हैं, 2 मिनट लगेंगे जहाँ से जाना से जाना। और फिर बैरागढ़ की जो बस स्टैंड है हलारपुरा, उसके विषय में पूरी जानकारी बताऊँगा। हाँ उतारना बस स्टैंड उतर गए बैरागढ़। और अब बैरागढ़ की जो हलारपुरा बस स्टैंड है उसके विषय में पूरा वीडियो रहेगा। ये सामने बस स्टॉप है हलालपुरा वो। तो ये रोड सीधा आया है कहाँ से, रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड से यहाँ पर। और ये है बैरागढ़ का बस स्टैंड जिसको बोलते हैं हलालपुरा बस स्टैंड। और यहाँ से सीधा रोड गया है इंदौर की तरफ और सीहोर की तरफ। ये हाईवे आगे बैरागढ़ सिटी है, या सिटी तो यहीं से चालू है पर आगे पूरा मेन मार्केट आगे है। चलो भैया चले बस स्टैंड की तरफ, ये बहुत तेज गाड़ी ला रहा है क्या है। और दोनों तरफ देख के निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ठोक देते हैं लोग। ये देखो कुछ सेकंड रुकना भी ज़रूरी है। गुरुचरण की बस आ रही है, डबल मंजिल वॉल्वो। तो दोस्तों यहाँ से चालू होता है बैरागढ़ पर उपस्थित या संत हिरदाराम का प्रमुख बस स्टैंड जिसका नाम है हलालपुरा बस स्टैंड। पीछे देख सकते हैं पूरा बस स्टैंड ही बस स्टैंड है, मतलब पूरी बसें ही बस खड़ी हैं। और ये जो रोड है सीधा गया है संत हिरदाराम नगर में, जिसको हम बैरागढ़ बोलते हैं, पुराना नाम है। तो ये आउटसाइड बस स्टैंड के बाहर की तरफ का पूरा नज़ारा है। यहाँ पर देख सकते हैं बड़ा बोर्ड लगा है झीलों का शहर भोपाल और हलालपुरा बस स्टैंड। तो ये अंदर बस स्टैंड है, बस स्टैंड में अंदर चलते हैं और अब पूरा वीडियो रहेगा बैक कैमरे से। ये देखो लाइट वाली बस, ये इलेक्ट्रिक बस है लाइट से चलने वाली। तो अब बस स्टैंड में अंदर चलते हैं जिसको हम बोलते हैं हलालपुरा बस स्टैंड या बैरागढ़ बस स्टैंड। तो बस स्टैंड के पहले बाहर का ये देखिए, यहाँ पर है द वाइन शॉप और चाय नाश्ते की दुकान है या साइड में। और अंदर चलते हैं पहले पुरानी जो बिल्डिंग है हलालपुरा बस स्टैंड या बैरागढ़ बस स्टैंड की, उसको बताते हैं। ये खड़ी है सुदर्शन श्री खैरापति सरकार उदयपुर आगर। और ये है श्री नर हरिदास बस स्टैंड बैरागढ़ भोपाल। तो ये है पुरानी बिल्डिंग श्री
नर हरिदास बस स्टैंड भोपाल, जिसे बोलते हैं संत हिरदाराम नगर या बैरागढ़ बस स्टैंड की ये पुरानी बिल्डिंग है। ये यहाँ पर लोग बैठते हैं और सुलभ शौचालय वो सामने है, वो वहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था है निःशुल्क है साहब। तो ये जो बस है ये जा रही है भोपाल से गुना, तो गुना ब्यावरा कमला ट्रेवल्स। तो ये बस गुना ब्यावरा नरसिंहगढ़ होते हुए जाती है। और ये जो सामने खड़ी है धार इंदौर भोपाल, भोपाल इंदौर धार मंडीदीप होते हुए जाती है, शुभम ट्रेवल्स की बस है। और अभी ये निकलने वाली हैं, एक ये खड़ी है गुना ब्यावरा, उसके पीछे खड़ी है सुपरफास्ट सूसनेर ग्यारसपुर जीरापुर राजनंदगांव। अब पूरी वीडियो बनाऊंगा मैं बैक कैमरे से, क्योंकि फ्रंट कैमरे से बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, पूरी डिटेल्स के साथ बनाऊंगा। और एक ये निकल रही है राजपुर से हरदा कन्नौद भोपाल खातेगांव होते हुए सीहोर कन्नौद आष्टा निकल गई। ये मध्य प्रदेश परिवहन की बस है, ये भोपाल से चलती है कोटा की तरफ। अब पूरी वीडियो रहेगी बैक कैमरे से क्योंकि फ्रंट में थोड़ी साफ नहीं आ रही इसलिए। और इसके बाद ये दूसरी है सुपरफास्ट सुसनेर जीरापुर राजगढ़ ब्यावरा। इसके बाद अंदर चलते हैं, ये है भोपाल जबलपुर डिंडोरी। इसके बाद ये है मध्य प्रदेश परिवहन निगम की भोपाल से चलकर अजमेर मतलब पुष्कर राज को जाने वाली श्री गिरिराज ट्रेवल्स की बस। और ये है बस स्टैंड पीछे की तरफ का, यहाँ पर बसें खड़ी रहती हैं और यात्रियों के बैठने के आराम करने की जगह वो सामने है। और यहीं पे पीछे दूर देखेंगे तो सामने पहाड़ी पर गुफा मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अलीराजपुर राजगढ़ झाबुआ जाने वाली एक ये बस खड़ी है, अलीराजपुर और झाबुआ जाते हैं इससे। और इसके बाद है खरगोन इंदौर भोपाल चैतन्य ट्रेवल की, इसके बाद एक और जय माता दी भावरा इंदौर झाबुआ। इसके बाद अगर सुलभ सौंक कॉम्प्लेक्स जाना है तो बाजू में ही सुलभ कॉम्प्लेक्स भी है। और चाय नाश्ता पानी जो भी कुछ करना हो तो यहाँ पर बस स्टैंड पर ढेर सारी शॉप्स हैं, दुकानें हैं जहाँ पर खाना पीना शुद्ध शाकाहारी सब कुछ है। इसके बाद ये अशोका ट्रेवल्स की है, ये कहाँ से नीमच मंदसौर जावरा रतलाम इंदौर भोपाल नॉन स्टॉप है। और ये है पूरा बस स्टैंड के अंदर का नज़ारा, टिकट काउंटर, जल पीने के लिए जल। इसके बाद ये देखिए अलीराजपुर कुछी बड़वानी देवास इंदौर बड़वानी, ये भी सुपरफास्ट है। और सीहोर के कुबरेश्वर धाम जाना है तो यह है माँ शारदा ट्रेवल्स की सीहोर कुबरेश्वर धाम जाने के लिए स्पेशल बस। ये उदयपुर आगर सांवला बांसवाड़ा रतलाम भोपाल से चलती है ये उदयपुर के लिए, वाया भानपुरा चंबल रामपुरा और मनसा होते हुए जाती है। और अभी हम बस स्टैंड से बाहर निकल आए हैं तो जाते टाइम ये बस अभी निकल रही है यहाँ से, इसके विषय में बता देते हैं। ये चौहान ट्रेवल्स की है भोपाल से इंदौर, अभी निकलने ही वाली है, 2 बजे छूटती है। तो यहाँ रोड क्रॉस करना भी यहाँ बहुत ख़तरनाक है क्योंकि ट्रैफिक पूरी गति से चलता है, जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करना है। अगर दिल खोलकर सपोर्ट मिलेगा, वीडियो अच्छी चलेगी तो और डिटेल्स में वीडियो बनाऊँगा। जब तक के लिए सभी से लेते हैं विदा, बाय बाय हलालपुर रेल बस स्टैंड। और बस स्टैंड में अंदर जाने के लिए अभी एक मिनट, ये नई इलेक्ट्रॉनिक बस न्यू गो बर्मा ट्रेवल्स की है, ये पूरी लाइट से चलने वाली इलेक्ट्रिक बस है। और इस बस के पीछे ही है पूरा हलालपुर बस स्टैंड। तो दोस्तों हलालपुरा बस स्टैंड का अगर पर्सनल आपको अनुभव चाहिए तो वो तो आपको बस स्टैंड पर आने के बाद ही मिलेगा। तो ये हमारा वीडियो था हलालपुरा बस स्टैंड, जिसको बैरागढ़ बस स्टैंड या संत हिरदाराम नगर बस स्टैंड बोलते हैं। यहाँ से आप कहीं भी जाने के लिए राजस्थान कोटा गुना जाने के लिए बसें पकड़ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।